के फंडे में फिर से एक बार मिल लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एसर्शन ओनली थ्री जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट जीईओ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड टू कवर द होल अर्थ कम्युनिकेशन नेटवर्क रीजन क्या कहता है अल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अर्थ दैट इट कवर्स आंसर देख लेते हैं बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्या कहते दोस्तों स्टेटमेंट क्या है कि सिर्फ तीन जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट सैटेलाइट लगते हैं पूरा अर्थ का कम्युनिकेशन नेटवर्क कवर करने के लिए यानी पूरा अर्थ कवर करने के लिए पूरी अर्थ कवर हो जाती है है ना और दूसरा है उसका रीजन क्या दिया है द अल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अर्थ इट कवर्स यानी अर्थ जो है अर्थ से जितना दूर दूर सैटेलाइट जाएगा यानी यहां रहेगा तो अलग बात है यहां रहेगा तो अलग बात है यहां तो यानी जैसे जैसे दूर जाएगा तो ऑब्वियसली उसका एरिया जो है अर्थ का कवर करने का है ना उसका दायरा बढ़ते जाएगी यस ऑब्वियसली देख लेते हैं दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि जियो एंटर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मार्केट फॉर्म्स ज्वाइंट वेंचर विथ एस सी ज्वाइंट वेंचर हो गया है जियो सोच रहा है ज्वाइंट वेंचर करने के लिए जिसमें जी जियो सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन रहेगा और वो डिलीवर करेगा मल्टी देगा एंटरप्राइजेस को मोबाइल बैकहॉल को और रिटेल कस्टमर को है ना सिर्फ इंडिया में नहीं तो नेबरिंग कंट्रीज जो है इंडिया की उनमें भी ये देगा अब खास बात है कि इलॉन मस्क जो है इसका स्टार और भारत ग्रुप का वनवेब जो है ये LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशंस देता है यानी आप देख सकते हो देखो LEO है तो कितना एरिया कवर करता है देखो इतना एरिया कवर करता है और MEO यदि है तो ये यहां तक कवर करता है और ऑब्वियसली GEO जो है ये पूरा और इसी वजह से देखो यहां पे GEO के 1 है ना 1 2 3 1 2 3 ये 3 ना ये तीन सैटेलाइट है तीनों सैटेलाइट पूरे अर्थ को कवर कर लेते हैं तो इसको कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है कॉम्बिनेशन इसलिए है कि जियो सैटेलाइट जो है उसका अपना लेटेंसी का एक अपना इश्यू है उसको कवर करने के लिए इन्होंने एम को बना डाला है सेकंड क्वेश्चन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएम जे ए वाई वन मींस टेस्टेड पॉलिसी प्रोविजन ऑफ प्राइमरी सेकंडरी एंड टर्शरी सर्विसेस थ्री नेशनलिटी डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन आंसर इज डी थ्री ओनली वन दीन्स इट इज मीन टेस्टेड पॉलिसी एंड थ्री नेशनलिटी एन एच ए जो है इट्स अ डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन लेकिन सेकंड नहीं है बोलता है प्रोविजन ऑफ प्राइमरी सेकंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेस नहीं है एक्चुअली प्रोविजन जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज का इसमें प्रावधान कोई भी नहीं है क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है हम हमारे नेबर का जो हमारा फैमिली डॉक्टर इन जनरल रहता है इन जनरल वहां उसके पास से हम लेते हैं लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल का जो रहता है सेकेंडरी और टर्शरी केयर उसके लिए प्रोविजन है क्या है प्रोवाइड द हेल्थ इंश्योरेंस कितना हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अप टू फाइव लैक फॉर अ फैमिली for a year for secondary and tertiary health services, launched in September 2018. News may mm. isle dosto ki NHA to integrate cost census database, working to integrate the database of socio-economic cost census 2011 beneficiaries with the National Food Security Act portal so as to beneficiaries can seek the information regarding their entitlements under this scheme. है ना उसका राशन कार्ड के थ्रू ये स्कीम में वो अवेल कर सकते हैं अब मींस टेस्ट पॉलिसी क्या है तो मीन्स टेस्ट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर एंड इंडिविजुअल फैमिली इज एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट असिस्टेंस और वेलफेयर बेस्ड अपॉन वेदर द इंडिविजुअल मींस टू डू विदाउट दैट हेल्प मीन्स टेस्ट मतलब एक फैमिली है उसको विदाउट असिस्टेंस हो सस्टेन हो सकती क्या नहीं हो सकती तो उसके लिए वेलफेयर प्रोग्राम दिया जाएगा देर फॉर ऑल वेलफेयर आर टेस्टेड पॉलिसीज़ थर्ड क्वेश्चन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ व्यू सिटी इन द गिवन मैप ऑफ यूक्रेन यूक्रेन का ये मैप है यहां पे आपको व्यू सिटी जो है वो आइडेंटिफाई करना है वन है टू है थ्री थ्री है और फोर है आंसर इज ए वन दिस इज द व्यू सिटी देख लेते हैं बाकी सिटीज कौन सी है तो ये जो है टू इज क्यू, यहां पे है लुहानस्क और ये ओडेसा। क्यू जो है इट्स कैपिटल ऑफ द यूक्रेन है ना क्यू न्यूज में देख लेते न्यूज में इसलिए यूएस रिलोकेट इट्स सी आई एस स्टेशन टू व्यू दू एस टेम्पररी रिलोकेट अब भी क्यूब में था कैपिटल में वहां से उन्होंने फिफ्टींथ फेब्रुआरी को डिसीजन ले लिया और शिप कर दिया व्यू में व् में इसलिए क्या? बिकॉज इट इज नियर द बॉर्डर विद द पोलैंड है ना नाटो का जो मेंबर है उसके पास यह है और इसी वजह से वहां शिप कर दिया लेकिन अभी दिक्कत यह है कि क्या जो क्यू है सिटी वहां से अभी जो भी डाटा मिलने वाला है रशियन एक्टिविटी का इन द यूक्रेन वो मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा लेकिन या जो रशियन एग्रेशन था उसको देखते हुए उसके मद्देनजर ये जो सीआई स्टेशन इसको रिलोकेट किया गया है फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर नॉट अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आईओसी ओ वन अर्बानिया टू थ्री सीरिया एंड फोर नामीबिया आंसर इज सी थ्री एंड फोर सीरिया और नामिबिया ये मेंबर्स नहीं है नॉट बोला है ध्यान में रखो हा नहीं है क्यों नहीं देखो भाई तो सीरिया जो था नामीबिया तो है ही नहीं सीरिया एक्चुअली वॉज अ मेंबर ज्वाइन इन नाइनटीन बट सस्पेंडेड इन ऑगस्ट 2012 थाउजेंड ट्वेल्व ड्यूरिंग द सीरियन वॉर जो था उसके वक्त इसका मेंबरशिप सस्पेंड किया गया न्यूज में क्या है देख लेते दोस्तों न्यूज़ में इसलिए है कि इंडिया स्लैम्स कम्युनल माइंडसेट ऑफ द आईओसीओ और रिमार्क ऑन हिजाब प्रो हिजाब का जो कर्नाटक का इशू चल रहा है उसमें आईओसी ने कुछ मुद्दे उठाए उसमें पाकिस्तान ने जोर से हल्ला बोला है इंडिया के ऊपर तो इसलिए इंडिया ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि इट्स अ इंटरनल मैटर मैटर ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बाउंडेड कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ये अपना जो प्रॉब्लम है इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा इसमें आपको दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है सो दिस इंस्ट्रक्शन सीधा सीधा ऑन द 15th फेब्रुआरी 2022 में इंडिया ने इश्यू कर दिया अगेंस्ट द आईओसी रिमार्क तो थोड़ा सा मैप देख लो छोटा सा न्यूज है लेकिन कभी पूछ जा सकता है है ना ये देखो यहां पर है ना ये जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट है सदर्न अमेरिकन ये एरिया है ये है यहां पे आशिया में तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना मैं आप ठीक है देन द लास्ट क्वेश्चन विच इज और आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वामित्व स्कीम वन क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड फॉर रूरल प्लानिंग एंड रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट टू टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द सिटीजन इन अ रूरल एरिया बाय एनाबलिंग देम

एक्ट लैंड रिकॉर्ड जो रूलर प्लानिंग के लिए लगता है और डिस्प्यूट जो बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट है रूरल एरिया में उसको रिजोल्व करने के लिए बनाया गया दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव दूसरा एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिटीजन्स को क्योंकि क्लियर टाइटल रहा तो उनको लोन वगैरह मिलना आसान हो जाएगा उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है और तीसरा ये जो जीआईएस मैप है ये जीआईएस मैप अलग अलग डिपार्टमेंट या दूसरे एंटिटीज इसको यूज करेंगे जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ हेल्प हो पाएगा तो ये तीन ऑब्जेक्टिव दिए सच में यह है क्या देख लेते ऑल थ्री आर करेक्ट वन टू थ्री तीनों करेक्ट है दोस्तों है ना ऑल थ्री आर करेक्ट अदर ऑब्जेक्टिव अदर ऑब्जेक्टिव आर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स भी इससे एसेस करना बड़ा आसान हो जाएगा क्लियर कट प्रॉपर्टी टैक्स निकलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसका है ना वी डू एक्रू टू द जीपीज़ डायरेक्टली विद इन द दियर इट ड्यूल ऑर एल्स एड टू द स्टेट एक्सचेकर उससे स्टेट का रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो पाएगा एंड सपोर्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बाय मेकिंग यूज ऑफ द जी आई एस मैप एक डेवलपमेंट जो है स्पैथियल जियो स्पैथियल डेवलपमेंट मैप बन जाएगा और प्रॉपरली रूरल एरिया का डेवलपमेंट में इसलिए दोस्तों की इंडिया टू मेक अ डिजिटल मैप ऑफ ऑल विलेजेस स्वामित्व लॉन्च ऑन द 24th अप्रैल 2021 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्कीम इज अमेटिव स्टेप टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप ध्यान में रखो क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी क्योंकि क्लियर टाइटल दैट इज मेजर इश्यू ऑफ रूर डिस्प्यूट है ना रूलर के जो मेजर प्रॉब्लम है क्लियर टाइटल नहीं है अब ये सब लैंड का रिकॉर्ड का मैपिंग कर लेंगे विथ अ ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स क्लियर टाइटल मिल जाएगा लीगल ओनरशिप डिक्लेयर हो जाएगी प्रॉपर्टी कार्ड बनेंगे वन नेशन वन कार्ड ये ये फंडा यहां पे आपको देखने को मिलता है इट्स एक्चुअली ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टेट पंचायत राज डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया यह भी ध्यान में रखो कभी कभी पूछ सकते हैं ठीक है ओके okay. समझ गए होंगे आपको पांचों के पांच क्वेश्चन ऑल द बेस्ट